बाद में दो पार्ट जो है वो हमने कर दिए थे, आज हम तीसरे पार्ट को देखेंगे। तो इसको हमने कैसे करना है, बाय कॉम्पिटिटिव स्क्वायर के मेथड से हमने सवाल को हल करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी, इक्वेशन देगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, उसको हम क्या करेंगे बाय कॉम्पिटिटिव स्क्वायर के मेथड से हल करेंगे। तो देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, ये हमारे पास सवाल जो है 11x² है और उसके बाद -34 है एक्स और यहाँ पे आ जाएगा +3=0। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हमने कॉम्पिटिटिव स्क्वायर के मेथड से हल करना है। उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको स्टेप वाइज दे के चलना है, तो ये सवाल हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, सोल्यूशन देखते हैं यार। ये आ जाएगा 11x² जो है -34x है +3=0। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो ये था कि x स्क्वायर के साथ अगर कोई कांस्टेंट निकला है, तो कांस्टेंट नंबर है या कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं वो है, तो उसको हमने सबसे पहले खत्म करना होता है। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 11 पे डिवाइड करेंगे, बाय डिवाइडिंग ऑन 11 दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे 11 की इक्वेशन को जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 11x² अवर आ जाएगा 11 और -34 अवर 11 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x आएगा x और +3 अवर 11 आ जाएगा इस इक्वल टू 0। तो जो हमारा सेकंड स्टेप था वो ये था, सॉरी इसको पहले हल कर लेते हैं। ये बनेगा x² -34 अवर 11x आ जाएगा +3 अवर 11 जी। तो अब हम देखते हैं अपने अगले स्टेप को। अगला स्टेप हमारा क्या था कि जो x के बगैर या कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x² आ जाएगा -34 अवर 11x आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा -3 अवर 11। तो देखिए यहाँ पे -34 है, इवन नंबर है, इवन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इस फार्मूला के मुताबिक इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेके आएंगे, उसके बाद फर्स्ट मल्टीप्लाई पे सेकंड, क्योंकि फर्स्ट नंबर हम ला चुके हैं जो कि x² है, उसके बाद हमने सेकंड नंबर और 2 लेके आना है। तो यहाँ पे 34 है, तो इसको हम इससे करके लिख सकते हैं -2 × इसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट नंबर हम ला चुके हैं और यहाँ पे आ जाएगा 17/11 इक्वल टू -3/11 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये क्या हो जाएगा हमारे पास 34। तो पिछले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए हम फार्मूले वाला 2 जो है वो ले आए हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर भी हमने बना लिया, सेकंड नंबर भी हमने बना लिया, अब हमें क्या चाहिए सेकंड नंबर का स्क्वायर चाहिए। तो जो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप सेकंड नंबर का स्क्वायर जो है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 17/11, इसका हम लेंगे स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये बनेगा x² -2 * x आ जाएगा 17/11 प्लस क्या करेंगे 17/11 का स्क्वायर देंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे -3/11 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 17/11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अब ये शक्ल जो है हमारी बन चुकी है, यहाँ से हमने a और b को लिया और ये वाला साइन लिया और उसको होल स्क्वायर ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर लेंगे, उसके बाद साइन ये वाला लेंगे माइनस का है और 17/11 होल का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं -3/11 और प्लस आ जाएगा 17 का स्क्वायर क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 4 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्रॉस 7 और 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 289 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 289 अवर यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 11 का स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा 121 आ जाएगा। तो ये हमने क्या करना है, अब हमें इस स्क्वायर को खत्म करना है या इसको मजीद सिंपल कर लेते हैं, इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, x माइनस 17 अवर 11 होल स्क्वायर लिखेंगे और इक्वल टू इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 121 इसका एलसीएम आ गया, आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 11 आंसर आएगा और 11 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -33।
उसके बाद प्लस आ जाएगा 121 को डिवाइड करेंगे और सम वन आएगा 1289 पे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 289 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको -33 माइनस का और ये प्लस 289 है तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 256 और 121 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 17 और 11 का होल स्क्वायर है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा 17 और 11 का स्क्वायर है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया इधर स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे नंबर के साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 256 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 121। यहाँ पे क्या है x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा हो जाएगा 17 और 11 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है इसको क्या करना है x चाहिए हमें तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा मतलब 17 और 11 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट जो है 256 अब हमारे पास बनेगा 121। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 और 11 और प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16 और 121 का जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है इसका सिंपल एलसीएम लेना है 11 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 17 प्लस माइनस 16 आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो दो बनेगी कैसे एक इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू 17 और 11 और प्लस क्या है प्लस हमारे पास है होल स्क्वायर में जाएगा 17 और 11 और यहाँ पे प्लस 16 आ जाएगा और r बनेगा हमारा 17x इक्वल टू 17 माइनस 16 और 11 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास 33 और क्या आ जाएगा 11 और x की वैल्यू जो बनेगी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 3 और यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो बाकी बचेगा 1 और 11। तो ये हमने x की दो वैल्यूज निकाली है तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट बन गया 3 और 11। तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। उसके बाद हम एक और पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है एल एक्स स्क्वायर है उसको भी हमने इसी तरह कंप्लीट एक्स स्क्वायर के माध्यम से हल करना है इसको हम लेके चलेंगे स्टेप वाइज। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट है ये हमारे पास एल एक्स स्क्वायर है प्लस एम एक्स है और प्लस एन है इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट हाँ जी यही है एल एम और एन इसमें हमने क्या करना है इसको कंप्लीट एक्स स्क्वायर के मेथड से हल करना है। तो इसको हम लेके चलेंगे तो सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा सबसे पहला स्टेप क्या है एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर है तो उसको क्या करते हैं खत्म करते हैं तो एल स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर पावर एल आ जाएगा प्लस एम पावर एल आ जाएगा यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस एम पावर एल आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखें एल से एल कैंसिल होगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम पावर एल यहाँ पे x आ जाएगा प्लस n पावर l इज इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप क्या है कांस्टेंट नंबर जो है बगैर x वाले नंबर जो है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे x स्क्वायर प्लस आ जाएगा m पावर l x इज इक्वल टू माइनस n पावर l हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे दो लेके आए फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे दो लेके आए आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना ही इवन है ना ही ऑड है तो यहाँ हम क्या करेंगे दो लगाएंगे प्लस टू हमने खुद से लगाया फॉर्मूले द्वारा टू बनाया तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसी को हम क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे एक्स इनटू क्या आ जाएगा एम पावर टू एल आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एम पावर क्या बन जाएगा एल बन जाएगा। अब हमने क्या करना है ये फर्स्ट और सेकंड बना दिया हमने अब हमने सेकंड का स्क्वायर लेके आना है तो ये हमारा नंबर है सेकंड अब इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इनटू x आ जाएगा इनटू m पावर 2 l आ जाएगा इसका हम लेंगे स्क्वायर m पावर 2 l का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ऐड कर दिया इसी तरह माइनस n पावर l प्लस जी हां प्लस m पावर
टू एल होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, तो आप देखें ये फार्मूला बन गए। अब यहाँ से क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर है हमारे पास एक्स, साइन दो वाला लेंगे प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम अवर टू एल और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम अवर एल और यहाँ पे प्लस आ जाएगा एम का स्क्वायर अवर बन जाएगा हमारे पास होल एल। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम, इसका अगर एलसीएम लेते हैं ये है माइनस एल, सॉरी एलसीएम बनेगा हमारे पास फोर एल, तो इसको डिवाइड करेंगे एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर माइनस फोर एल आ जाएगा और प्लस आ जाएगा एम स्क्वायर। इसको सिंपल कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, एक्स स्क्वायर को खत्म करना है, तो यहाँ पे एक्स प्लस एम अवर टू एल है, इसका होल स्क्वायर है, इसका हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पे एल भी आएगा और क्या आ जाएगा फोर एल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एल से एल कैंसिल हुआ, यहाँ पे फोर एल है, एल से एल कैंसिल हुआ, यहाँ पे एल का स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे टू एल होल स्क्वायर है, तो टू एल स्क्वायर बनेगा इसलिए फोर एल स्क्वायर आ गया। यहाँ से एक एल कैंसिल हुआ, फोर एल बचा, फोर एल को हमने क्या किया माइनस एल के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर एल एल आ गया और फोर एल है। यहाँ पे स्केयर रूट हमने लिया है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, तो जब प्लस माइनस लेंगे तो यहाँ पे देखें स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एम अवर टू एल आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका स्केयर रूट बनेगा एम स्केयर माइनस फोर एम एल आ जाएगा अवर हमारे पास क्या बनेगा टू एल बन जाएगा क्योंकि फोर एल स्केयर का जो स्केयर बनेगा वो क्या आ जाएगा फोर एल स्केयर का स्केयर रूट जो है टू एल आ जाएगा। अब क्या है x इक्वल टू बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस एम अवर टू एल प्लस माइनस अंडर रूट एम स्केयर और माइनस फोर एम एल आ जाएगा अवर क्या हमारे पास टू एल आ जाएगा। अब हम इस सारे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनेगा टू एल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ एम स्केयर माइनस फोर एम और एल आ जाएगा। तो ये हमने इसका सोल्यूशन सेट निकाला है, तो इसका सोल्यूशन सेट हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, अलहदा भी लिख सकते हैं। तो इसमें x की जो वैल्यू बनी है इज इक्वल टू x की जो वैल्यू है माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस फोर एम एल आ जाएगा और क्या आ जाएगा टू एल आ जाएगा। इसी तरह एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ आपको, आपने खुद करना है। सवाल क्या है मेरे पास, वो ये है कि यहाँ पे जो हमने एल एम एन लिखा है, यहाँ पे हमने एल एम एन लिखा है, तो यहाँ आपने क्या लिखना है ए बी और सी लिखना है। ए बी और सी के साथ अगर हम करेंगे तो ये हमारा सवाल, इसका हमारा जवाब क्या बनेगा, वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बनेगा एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अवर आ जाएगा टू ए। तो ये आपने इसका ये वाला आंसर आपको खुद करना है क्योंकि ये आगे हमारे काम आना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हमने बाय कंप्लीट सॉरी बाय फार्मूला हमने उसको हल करना है, इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो वो इस इक्वेशन से आपने बनाना है। इसी तरह ये है, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एल एम एन की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है इसको ए बी और सी को, तो हमारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे, हम इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हल करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर, इसमें अगर किसी के साथ कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।